लोड स्टिच आरी वर्क का एक ऐसा स्टिच है जिसको हम लोग अपने आरी वर्क में ऑलमोस्ट हर एक डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, चाहे वो जरदोजी से हो, बीट से हो या फिर थ्रेड से हो। लेकिन ज़्यादातर जो आरी वर्क को करने वाले होते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग लोड स्टिच को प्रॉपर तरीके से कर ही नहीं पाते हैं, बिकॉज उन्हें प्रॉपर तरीका पता ही नहीं होता है कि हम हर एक शेप में, हर एक डिज़ाइंस में किस तरीके से लोड स्टिच को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मली जिस तरीके से हम लोग लोड स्टिच करते हैं उस तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्केल लेकर के अपने फैब्रिक में एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, बाद दूसरी लाइन को ड्रॉ करेंगे एंड अब हम अपने नीडल को लेकर के दो थ्रेड के साथ यहाँ से लोड स्टिच को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये स्लाइंटली वाला लोड स्टिच करके दिखाऊंगा, जिसको हम लोग गिरा हुआ लोड स्टिच कहते हैं, एंड उसके बाद मैं आपको दूसरा वाला। तो ये वाला जो लोड स्टिच है इसको हम लोग खड़ा लोड स्टिच कहते हैं, आप इसको वर्टिकली लोड स्टिच भी कह सकते हैं। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो लोड स्टिच होते हैं आरी वर्क में उसको हम लोग ज़्यादातर दो टाइप से करते हैं, यानी कि एक हो गया हम लोगों का ये इस तरीके से स्लाइंटली, जिसको हम लोग गिरा हुआ लोड स्टिच कहते हैं, और जो दूसरा है उसको हम लोग कहते हैं वर्टिकली यानी कि खड़ा लोड स्टिच। तो ये दो तरीके से हम लोग आरी वर्क में लोड स्टिच ज़्यादातर करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि हमें ये चीज़ अच्छी तरीके से पता है कि जो लोड स्टिच होते हैं उसको अगर हम लोग इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में करते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टली हो चाहे वो ऊपर की तरफ वर्टिकली हो, इस तरीके से अगर हम लोग लोड स्टिच को करते हैं डिज़ाइन में, तो बहुत आसानी से हम लोग प्रैक्टिस कर पाते हैं या फिर उसको वर्क कर पाते हैं। लेकिन अगर इसी लोड स्टिच को हम किसी अदर शेप में, डिफरेंट पर्टिकुलर शेप में हम लोग अगर बनाने की कोशिश करते हैं, तो जो डिज़ाइंस है वो दिखने में एकदम ही अलग लगती है। यानी कि जितने हम लोगों ने खूबसूरती के साथ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में गया था, किसी अदर शेप में अगर हम उसको करने की कोशिश करते हैं तो वो डिज़ाइंस उतनी अच्छी नहीं दिखती है। वो इसलिए बिकॉज हम उसमें कुछ टेक्निक्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए कि लोड स्टिच में हम लोगों को कुछ अलग अलग टेक्निक का भी यूज़ करने पड़ते हैं ताकि हम अपने डिज़ाइंस को प्रॉपर तरीके से बना पाएँ। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों को वो टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे हम हर एक पर्टिकुलर शेप में लोड स्टिच को बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अगर अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे इक्वली डिस्टेंस लिया था, नीचे की तरफ भी ऊपर की तरफ भी, सेम डिस्टेंस मैं क्या कर रहा हूँ इस वाले शेप में ले रहा हूँ, ठीक है। यानी कि ऊपर की तरफ की डिस्टेंस मैं सेम ले रहा हूँ और नीचे की तरफ की जो डिस्टेंस है वो भी बिल्कुल सेम ले रहा हूँ।
तो अभी आप देखते जाएंगे कि जो हमारी शेप है वो किस तरीके से बिगड़ती चली जाएगी, यानी कि जैसा मैं बनाने की एक्चुअल में कोशिश कर रहा हूँ वह वैसा ही नहीं बनेगी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मैंने जितना डिस्टेंस लिया था एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस मैं यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ एवरी टाइम। ठीक है, तो अब होगी क्या कि हमारी जो शेप है वो बिगड़ती चली जाएगी, वो जो शेप है वो एकदम खराब दिखती चली जाएगी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ तक हम लोगों ने किया, अब जो मैं स्पेस ले रहा हूँ ना वो स्पेस ले रहा हूँ जो मैंने यहाँ से यहाँ तक का स्पेस लिया है। ठीक है, यानी कि जितने भी स्पेस देख रहे हैं आप डिस्टेंस एग्जैक्टली नीचे की तरफ डिस्टेंस जो मैं बिल्कुल सेम ले रहा हूँ, तो इसकी वजह से हो क्या रहा है कि अब हम लोगों का जो डिज़ाइन है वो दिखने में एकदम ख़राब होता चला जा रहा है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम करते चले गए, ठीक है, जिस तरीके से मैं अभी स्टार्ट किया मैंने और इस तरीके से मैंने इक्वली डिस्टेंस लेते हुए मैंने अंदर गया, तो अगर हम इसी तरीके से करते चले जाएंगे तो हमारा जो अंदर वाला साइड है यानी कि जो स्मॉल वाला जो सर्कल है वो बहुत जल्द फिल हो जाएगा और बाहर वाला जो सर्कल है वो खाली का खाली ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो अंदर वाला जो सर्कल है वो स्मॉल है और जो बाहर वाला जो सर्कल है वो बिग है। ठीक है, तो इसका वजह से हम लोगों का जो शेप है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब हम इस वाले शेप में दूसरे टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसकी वजह से हम अपने लोड स्टिच को परफेक्ट तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं और अब देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। ओके, तो अभी आपने देखा कि मैंने अंदर वाला जो शेप है उसको मैंने फाइनली कंप्लीट कर लिया है, लेकिन बाहर का जो पूरा राउंड वाला जो बिग वाला जो शेप है वो खाली का खाली है, जबकि अभी आधा ही कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लॉक कर दे रहा हूँ। ठीक है, और अब हम अपना टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं इस वाले शेप में जो कि बिल्कुल सेम है और इसको हम परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अब इस वाले शेप में मैं परफेक्ट तरीके से लोड स्टिच करने वाला हूँ। ठीक है, नाउ परफेक्ट तरीके से लोड स्टिच को करने के लिए हम लोग इसमें जिस टेक्निक का यूज़ करने वाले हैं उसको हम लोग कहते हैं आउटसाइड मोर एंड इनसाइड लेस टेक्निक, यानी कि जो बाहर वाला हिस्सा है बाहर वाला जो सर्कल है उसमें हम लोग डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा लेने वाले हैं या फिर नॉर्मल लेने वाले हैं, और जो अंदर वाला जो सर्कल है यानी कि जो स्मॉल सर्कल है उसमें हम लोग डिस्टेंस को एकदम क्लोज एकदम आमने सामने लेने वाले हैं, बगल बगल में या फिर बहुत कम डिस्टेंस लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो डिस्टेंस है वो अंदर की तरफ मैं बहुत कम ले रहा हूँ और बाहर की तरफ जो डिस्टेंस है यानी कि ये वाले जो डिस्टेंस है वो मैं नॉर्मल लूँगा। ठीक है, और अंदर की तरफ एकदम क्लोज एकदम जो प्रीवियस हमारी स्टिच है उसमें एकदम टच करके लूँगा और जो बाहर वाली है उसको हम लोग एकदम क्लोज लेने वाले हैं, सॉरी थोड़ी सी डिस्टेंस में लेने वाले हैं इस तरीके से। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे नोटिस करने की कोशिश करेंगे तो जो अंदर वाला जो सर्कल है वो आपको थोड़ा सा नैरो नज़र आएगा और जो बाहर वाला जो स्टिच है वो थोड़ा सा वाइड नज़र आएगा, थोड़ा सा चौड़ा नज़र आएगा। ठीक है, सो इसी तरीके से हम कंटिन्यू करते चलेंगे। ठीक है, और देखते हैं कि हम लोगों का जो लोड स्टिच है वो किस तरीके से
बनता है। ओके ओके तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि जो अंदर वाला जो सर्कल है उसमें मैं डिस्टेंस बहुत कम ले रहा हूँ, और जो बाहर वाला जो सर्कल है उसमें मैं थोड़ा सा डिस्टेंस को नॉर्मल रख रहा हूँ जितना हमें लोड स्टिच में ज़रूरत है। ठीक है, ओके तो अभी आपने देखा कि जो हम लोगों का लोड स्टिच था वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है, और जो आपको मैंने टेक्निक बताए थे यानी कि आउटसाइड मोर डिस्टेंस एंड इनसाइड लेस डिस्टेंस, ठीक है, उसी टेक्निक का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो अभी आप देखेंगे जो हम लोगों का लोड स्टिच है वो एकदम प्रॉपरली स्टिच हो चुका है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इक्वली एक बराबर डिस्टेंस लेने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों का जो स्टिच है वो कभी भी परफेक्ट तरीके से नहीं होने वाला है। ठीक है, नाउ इसमें अभी हम लोग दूसरे एक अलग टेक्निक का यूज़ करने वाले हैं, और उसमें क्या फ़ायदे हैं वो मैं उस वाले शेप में बताता हूँ। ठीक है, तो अभी हमने जिस टेक्निक का इसमें इस्तेमाल किया है उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हम इसमें कुछ ऐड करने वाले हैं जिसको हम लोग कहेंगे सपोर्ट स्टिच। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि जिस तरीके से हम लोगों ने इसमें स्टार्ट किया था एग्जैक्टली हम लोग उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे और सेम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए स्टिच करेंगे। ठीक है, अंदर की तरफ हमें लेस डिस्टेंस लेना है और बाहर की तरफ हमें नॉर्मल डिस्टेंस लेना है, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, अंदर की तरफ हम कम डिस्टेंस लेंगे, बाहर की तरफ हम ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, लेकिन इसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या करने वाले हैं। सो उस टेक्निक को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को आरी वर्क को बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से सीखना है तो आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जा करके आप हमारे आरी एम्ब्रॉयडरी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी न्यू बैच 15 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होने वाली है। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न आरी वर्क इन डिटेल सो यू कैन ज्वाइन आवर क्लासेस टूडे। कि एक सपोर्ट स्टिच लेने वाले हैं उससे हम लोगों का क्या फ़ायदा होने वाला है कि हम लोगों का जो स्टिच है वो परफेक्ट तरीके से बनेगा। ठीक है, अब हम लोग सपोर्ट स्टिच कैसे लेने वाले हैं कि जैसे हम लोग बाहर की तरफ स्टिच करते हैं, ये हम लोगों की बाहर की स्टिच कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो हम ये फोल्ड स्टिच ना लेकर के इसको हम लोग हाफ स्टिच लेंगे यहाँ पे, देन स्मॉल स्टिच करके वापस हम अपने आउटसाइड जो लाइन है, आउटलाइन है हमारी, वहाँ पर हम फिर से स्टिच करेंगे, और जब सेकेंड टाइम हम जाएंगे वो सेकेंड टाइम हम लोग इस जगह पे स्टिच करेंगे अंदर की तरफ यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और मेक श्योर कि हम इसको जो हमारी थोड़ी सी यहाँ पे लूप बन जाती है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पे आएंगे बाहर की तरफ एंड इस तरीके से स्टिच करेंगे, और फिर हम अंदर की तरफ जो है वो हम हाफ स्टिच लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हाफ यहाँ पे हाफ लेंगे एंड फिर स्मॉल स्टिच करके और वापस चले जाएंगे बाहर वाली लाइन में स्टिच करने के बाद, देन हम चले जाएंगे अंदर वाली लाइन में इस तरीके से। ठीक है, ये वाली जो है यहाँ पे जाएंगे एकदम क्लोज डिस्टेंस से करेंगे
और स्मॉल स्टिच करके फिर हम बाहर की तरफ चले जाएंगे। तो अगर हम इस तरीके से करते हैं तो हमारी जो लोड स्टिच है वो एकदम परफेक्ट तरीके से स्टिच हो जाएगी, और अंदर वाली जो लाइन है जितना हम लोगों ने यहाँ पे कंजेस्टेड कर दिया था जगह को, ठीक है, उतना जगह हम लोगों का कंजेस्टेड नहीं होगा। इतना ज़्यादा यहाँ पे हम लोगों ने एक दूसरे में चाप करके क्लोज करके स्टिच कर दिया था, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी और आपकी जो लोड स्टिच है वो परफेक्ट तरीके से स्टिच हो जाएगी, ठीक है। सो इसको हम लोग इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या चीज़ समझ में आई कि वन टाइम हमें फुल स्टिच लेना है और वन टाइम हमें हाफ स्टिच लेना है, जिसको हम लोग सपोर्ट स्टिच कहते हैं। अभी जो मैं ले रहा हूँ हाफ, ये हम लोगों का है सपोर्ट स्टिच, और हम फिर बाहर की तरफ जाएंगे और अब हम सीधा अंदर की तरफ यहाँ पे आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अभी आप नोटिस करते चलेंगे कि हम लोगों का जो अंदर वाला जो लाइन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बनता चला जा रहा है। अगर आप आरी वर्क सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं।